Hello students, today we will discuss about second chapter from Honeycomb's NCERT book of 7th class of English. So we will start with the first lines, opening lines. Mirdu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. Mirdu एक छोटी लड़की, बढ़ती हुई छोटी लड़की है जो कि मद्रास में रहती है, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, अपनी तापी नाम की अपनी दादी के साथ, जिनका नाम तापी है और था उनके दादा का नाम है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर, एक आफ्टरनून को तापी उसको लेके जाती है उसकी आंट रुक्मिणी के घर पे, जो उसके कजन है लाली रवि और मीनू मीना से मिलने के लिए. हमारे चैप्टर का नाम है गिफ्ट ऑफ चप्पल, एक चप्पलों का उपहार. स्माइलिंग रुक्मिणी थ्रू ओपन द डोर, मुस्कुराती हुई रुक्मिणी अपना पूरा दरवाजा खोल देती है. रवि एंड मीनू रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मिर्दू इनटू द हाउस. रवि और मीना भागते हैं बाहर और रवि उसको खींच के पीछे घर में ले जाता है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, रुको रुको मुझे अपने स्लीपर उतारने दो, मिर्दू कहती है. सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक चप्पल, सॉरी लार्ज ब्लैक वंस. वो अपने जो चप्पलें हैं वो बहुत ही सफाई से और जो ब्लैक कलर की काले रंग के बड़े चप्पलों का जोड़ा था उनके पास रख देती हैं. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वो वास्तव में ग्रे कलर की दिखते हैं डस्ट के कारण. यू कुड सी द क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स, और आप क्लियरली देख सकते हो जो चप्पल है उस पे जो टोज के निशान होते हैं उनको, फ्रंट पार्ट होती है चप्पलों के उन पे, और जो द मार्क्स फ्रॉम टू बिग टोज, और जो बिग टोज हैं बड़ी उंगलियों के जो निशान हैं, वर लॉन्ग एंड स्कैरवेनी. स्कैरवेनी मीन्स होते पतले हैं और लंबे हैं, इस तरह से वो लंबे और पतले दिखते हैं. मिर्दू डिडेंट हैव टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स देवर, अब मिर्दू के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो इसके लिए हैरान हो कि चप्पलें किसकी हैं, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, क्योंकि रवि उसको रस करके ले जाता है, पुल करके ले जाता है. ड्रैग्ड मीन्स करना, पुल करना, खींचना, बैकयार्ड की तरफ, और वहाँ पे एक थिक गहरी बिटर बेरी की झाड़ी है उसमें. देयर इनसाइड ए टोन फुटबॉल लिंड विद स्केंगिंग एंड फील्ड विद सैंड, जहाँ पे एक पुराने कलर की लिंड होती है, रस्सियाँ और सैकिंग होती है जो बोरा भरने के या बोरियाँ होती हैं उनको भरने के लिए काम आने वाली, और वो फील्ड विद सैंड, सैंड से भरी हुई है. ले वेरी स्मॉल कीटन, वहाँ पे एक बहुत छोटी सी कीटन मीन्स बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए हाफ कोकोनट सेल, और वो लिकिंग कर रहे हैं, दूध पी रहा है हाफ कोकोनट के सेल से जो कि एक बाउल की तरह लगता है उससे. ही फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वो कहते हैं कि इस आज सुबह ही हमने इसको जो गेट है उससे बाहर पाया. ही वाज मूविंग एंड मूविंग पुअर थिंग, यह गरीब बेचारे मूविंग कर रहा था, सैड मीना कहती है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इट इज़ अ सीक्रेट, यह सीक्रेट है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर यूर पादू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट, अम्मा कहती है कि पाती है, पाती तमिल भाषा में ग्रैंड मदर को कहते हैं, वो तुम्हें पादू मामा के घर पे छोड़ देगी यदि वो जान जाए कि हमारे पास एक कैट है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग एस टू बी काइंड टू एनिमल्स, पीपल हमेशा हमें कहते हैं कि हमें जो एनिमल्स है, पशु हैं, उनके प्रति दयावान रहना चाहिए. बट वेन वी आर, परंतु जब हम दया दिखाते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सैड रवि, अरे नहीं, इस जो गंदा क्रिएचर है, प्राणी है, उसको यहाँ मत लेके आओ, रवि कहता है. इस तरह से उनका रिएक्शन है कि लोग कैसे कैसे बोलते हैं, कहते हैं. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानते हो कि यह कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है कि थोड़ा सा मिल्क भी लेके आना किचन से, अगर हम किचन से थोड़ा मिल्क भी लेके आए तो कितना मुश्किल है. पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती ने मुझे अभी अभी देखा था, एक ग्लास मेरे हाथ में था जब मैंने दूध मीन्स वो जब दूध लेने जाता है तो पाती ने उसको ग्लास हाथ में लिए हुए देख लिया था.
आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुकड एट मी, परंतु जैसे वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ ए सेंट। अभी कहता है परंतु जैसे वो मुझे देख रही थी तो मुझे इसको पीना ही पड़ा सारा, जब तक वो देखती रही। देन सी वॉन्टेड टू थम्बलर बैक, तब वो चाहती थी कि टम्बलर बैक मीन्स टम्बलर होता है गिलास, गिलास को वापस चाहती थी, मीन्स पाती कहती थी, कहती है या चाहती है कि गिलास वापस दे दूँ मैं उसको। पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, पाती मैं इसको अपने आप ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें क्यों परेशानी में डालूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया। इस तरह से रवि नाटक करता है कि मैं ही धो दूंगा दादी, तुम मत परेशान हो। आई सेड टू रन एंड पोर द, मैं वहाँ से भागा, मीन्स मुझे वहाँ से भागना पड़ा। हैड टू मीन्स भागना पड़ा। एंड पोर, पोर मीन्स उडेल देना, पोर मीन्स उडेल देना मिल्क इन टू दिस कोकोनट सेल, तब मुझे उस मिल्क को इसमें उडेलना पड़ा इस कोकोनट सेल में। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर सी गोट रियली सस्पिशियस, और मुझे भागना पड़ा वापस इस टम्बलर को धोने के लिए और इसे वापस रखने के लिए, जब तक कि वो वापस से वास्तव में सस्पिशियस न हो जाए, मीन्स वास्तव में उसको शक न हो जाए, इससे पहले मुझे इसको धोना पड़ा और रखना पड़ा। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड मेंद्रम, मेंद्रन एक उनका अदर पेट है। अब ये कहते हैं कि मैं अब सोचता हूँ, सॉरी वो किटी है उसका नाम ही महेंद्रन रखा है उन्होंने, महेंद्रन का मैं अब कैसे खिलाऊंगा, मुझे इसके बारे में अब सोचना पड़ेगा। महेंद्रन दिस इज, दिस लिटिल किटी इज नेम इज महेंद्रन, महेंद्रन इस लिटिल किटी का नाम है। मृदु कह, मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु है वो उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है। इट वाज ए रियली नेम, ये वास्तव में अच्छा नाम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये के जस्ट किटी के नाम नहीं है बल्कि एक बड़े जो बिल्ली होती है उसका नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन वर्मा, जो महेंद्रन वर्मा नाम है वो उसका वास्तव में पूरा नाम है पल्लव पुनाई, ये पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुलाई एमपी पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, और एमपी पुनाई उसका शॉर्ट में नाम है अगर तुम पसंद करो तो। ही इज फाइन बियर्ड ऑफ कैट, ये एक अच्छी प्रजाति है कैट की। जस्ट लुक एट हिज फर, उसकी फर की तरफ देखो। लाइक ए लोयंस मेन, मेन होते हैं जो लोयन के आगे के बाल होते हैं उनको मेन कहते हैं। इसके जो बाल हैं वो लोयन की मेन होते हैं उसकी तरह होते हैं, लोयन के ऐसे ऐसे बाल होते हैं जो फेस के पास होते हैं वो उनको मेन कहते हैं। एंड यू नो वाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु, मृदु से वो कहता है कि तुम जानते होगी कि जो प्राचीन पल्लव किंग्स थे उनका एम्बलम क्या था, उनका जो राष्ट्रीय या राजकीय निशान, राजकीय चिन्ह था वो क्या था, एम्बलम होता है चिन्ह प्रतीक, तुम नहीं जानती। अब वो मृदु की तरफ आशा से देखता है। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग, मैं सोचता हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, एक थोड़ा इंतजार करो। आई एल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ समय बाद दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, तुम ये क्लियर है कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो हिस्ट्री के बारे में। हैव नॉट बीन टू मैन महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम के बारे में नहीं जाना, हैव यू, कभी तुमने जाना। ही सैड मिस्टीरियसली, वो बहुत ही मिस्टीरियसली कहता है। वेल ठीक है। व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम में गई थी, आई सा स्टेचू ऑफ हिज थाथाज 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब उसने वहाँ पे एक स्टेचू देखी थी उसके दादा के दादा के दादा के दादा के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मीन्स उसके बहुत ज़्यादा
पुराने दादा। फैक्ट इज महेंद्रन, वास्तव में महेंद्रन। हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और यहाँ पे जो वास्तविकता यह है कि जो महेंद्रन है वो उनकी जो एंशिएंट कैट है उससे मैच करती है, उससे मेल खाती है, उन्हीं से आई है वो। डिसेंडेंट मीन्स वहाँ से आई है, उसकी फैमिली की ही कैट है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, यह उसकी क्लोज मीन्स बहुत ही पास की रिश्तेदार है। अगर हम साइंटिफिकली कहें तो बोलें तो मीन्स वैज्ञानिक रूप से बोलें तो ऑफ नोन अदर देन द लोइन, और कोई नहीं बल्कि लोइन की शेर की प्रजाति है। द पल्लव लोइन, जो पल्लव थे वो लोइन अबलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव वंश था उसकी जो राष्ट्रीय चिन्ह था, प्रतीक था, वो लोइन था। रवि वेंट, रवि जाता है वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, जो बिटरबेरी की बुश है उसके पास, वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, एक जो टहनी है, ट्विग मीन्स टहनी को ऊपर नीचे हिलाता है। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमकती हैं। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये कैट है उनकी ही प्रजाति का, उनकी ही जो उनका जो वंश है उनसे ही है, जो महाबलीपुरम ऋषि कैट है उससे ही आई है और कहीं से नहीं आई है, मीन्स उसी की वंशज है ये। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, यदि मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, याद दिलाऊँ, तो दे वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट, वे जो एंशियंट इजिप्ट है वहाँ पे कैट्स की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, कैसे वो प्यार करती है अपनी ही आवाज़ से। मीनू एंड मिर्दू एक्सचेंज लुक्स, मीनू और मिर्दू एक दूसरे से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मिर्दू डिमांडेड, तब और क्या किया जा सकता है, मिर्दू पूछती हैं। ओह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टर्ड, या दैट्स इट। यह कहता है कि अरे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो ये कैट है ये उनकी वंशज है, जो इजिप्ट की कैट गॉड है उसकी, नहीं नहीं ये तो देवी है। बास्टर्ड होती है, जो बॉडी होती है वो वुमेन की होती है, और जो ये फेस होता है ये कैट का होता है, उसको बास्टर्ड कहते हैं। ये तो गोडेस बास्टर्ड है, मीन्स ये तो देवी है। सो तो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वाज स्टोवेवी इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स। अब ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कैट गोडेस थी ना इजिप्ट की, उनमें से एक कैट जो उनकी वंशज थी वो पल्लव वंश की जो शिप थी उसमें आ जाती है। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और वो जो डिसेंडेंट थी, वंशज थी महाबलीपुरम ऋषि कैट के, ऋषि कैट ही थी। हुज डिसेंडेंट इज, ये किसकी डिसेंडेंट है, रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन, और जो रवि है वो जो हाथ में उसने शाखा पकड़ी हुई थी वो महेंद्रन की तरफ उसको फ्लोरिश करता है, फहराता है। इस तरह से वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो इजिप्ट की जो कैट गोडस है उससे रिलेटेड है। एमपी पुनाई हेयर, एमपी पुनाई यहाँ है वो। ही स्क्रीम्ड वेरी प्लेज्ड विद हिमसेल्फ, वो इस तरह से अपनी खुशी जाहिर करता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस पे। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन उसकी तरफ देखता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो अपने जो क्लोज थे, अपने पंजे थे, उसको शार्प कर रहा था जो किनारे थे कोकोनट शेल के उनके ऊपर। बट वोर्स देन रवीज अ फुल वूप ई वाज ए क्रिक, परंतु जो बहुत ज़्यादा अपफुल मीन्स ड्रावना या जो बहुत ही दुखदायक वो थी वो क्रिक थी। फ्रॉम द विंडो, विंडो की साइड से, विंडो से, व्हाट ए वाइड साउंड, ये कितनी वाइड साउंड थी, कितनी अजनबी साउंड थी, स्ट्रेंज वाइड अजनबी साउंड, अनयूजुअल साउंड। ई मृदु वाज स्टार्टल्ड, एम पी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स,
जो मृदु है वो स्टार्टल्ड हो जाती, यदि जो मृदु है वो डर जाती है, फ्राइटेंड हो जाती है। स्टार्टल्ड मीन्स फ्राइटेंड होना, डर जाना, भयभीत हो जाना। अम्पिपनाई है वो भी डर जाती है, और उसकी जो विट्स है ऑफ हिज विट्स, विट्स मीन्स बुद्धि से डर जाती है, अपने दिमाग से डर जाती है, यह सोच के कि वो मृदु डर गई है। उसके हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो खड़े हो जाते हैं। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रीड टुवार्ड्स द बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। और वो बाउंस जाते, उछल जाती है, और जो बम्बू ट्रे रखी हुई थी रेड चिलीज सुखाने के लिए, उसकी तरफ भाग जाती है। ट्राइंग टू हाइड बनीथ इट, वो कोशिश करती है उसके नीचे छुपने की। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और वो कुछ चिलीज अपने ऊपर गिरा लेती है। मियाँ ऐसे उसकी साउंड होती है। ही होल्ड मिजरेबली, वो चिल्लाती, होल्ड मीन्स चिल्लाती है, बोलती है बहुत ही मिजरेबली, दयनीयता से। द क्रिकिंग वेंट ऑन एंड वन ऑन, क्रिकिंग की जो साउंड थी वो बार बार आती है। व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु, ये आवाज़ कैसी है, ये मृदु पूछती है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, ग्रंटेड मीन्स ऐसे बहुत ज़्यादा दुखी हो, दुखी हो के, और कुछ कह रहे कहना, जैसे हम कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो कुछ कहते हैं, तो वैसे ही वो दुखी हो के कहता है रवि। ये लाली है जो वोयलन प्ले करना चाहती है, वायलिन एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको प्ले करना चाहती है और सीख रही है उसको। सी एल नेवर लर्न ए थिंग, वो उसने कभी ऐसी चीज़ें नहीं सीखी हैं। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, वो जो म्यूजिक मास्टर है वो केवल प्ले करता रहता है, जैसे कि एक ट्रे विजिंग करती हो बार बार में। विजिंग मीन्स विस्लिंग, जैसे ट्रेन की सीटी होती है, तुम देखते हो क्योंकि श्री जो ट्रेन है वो सीटी देती है जब आती है, वैसे ही जो म्यूजिक मास्टर है वो वायलिन बजाते रहते हैं। वाई लाली इज ऑल द टाइम ड्रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और जब लाली उसको देखती है तो देखती ही रहती है, और जो ट्रैक है उससे बिल्कुल वो उतर जाती है, मीन्स उसको कुछ समझ में नहीं आता है, केवल वो घूरती रहती है अपने म्यूजिक टीचर को। इस तरह से जो लाली है वो म्यूजिक सीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके म्यूजिक मास्टर जो उसको सिखाते हैं उसको वो कुछ भी समझ में नहीं आता। नेक्स्ट पेज पे चलो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड, सीक्रेट है मीना क्या शेयर करती है वो, द महेंद्रन द कैट नेम्ड महेंद्रन। हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किचन, किचन से कैसे लेके आया, सीक्रेटली लेके आया। ही सेड दैट ही वॉन्ट टू ड्रिंक इट, हु डज ही से द किटन एंसेस्टर वार, किसके एंसेस्टर है, इजिप्टियन कैट है जो उनकी। डू यू बिलीव हिम, नो वी विल वी डिड वी डोंट बिलीव हिम। रवि हैज ए लॉट ऑफ टू से अबाउट एमपी पुनाई, दिस शोज दैट ही इज मिजरेली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु मेरली सॉरी मेरली ट्राइंग टू, ही इज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ही हैज ए रिच इमेजिनेशन। हाँ, हमारा थर्ड आंसर, ही हैज ए रिच इमेजिनेशन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रन, दिस इज लालीज वायलन प्लेइंग, दिस इज द साउंड ऑफ वायलन विच इज लाली इज प्लेइंग। अब इसमें है, मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु रेंग के जाती, क्रेप्ट मीन्स धीरे धीरे से विंडो के पास जाती है। लाली वाज शीटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, अवेक वाइल्डली होल्डिंग हर वायलन एंड बो स्ट्रिंग। अब लाली है वो बैठी हुई है कुछ दूरी पे, बहुत ही अवेक वाइल्डली मीन्स बहुत अनयूजुअल, और उसने अपना वायलिन पकड़े हुए हैं। बो स्ट्रिंग हर आई एल्बो जस्टिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। अब ये जो लाली है
लाली है, बैठी हुई है बहुत ही अजीब तरीके से, एक वाली मीन्स बहुत ही अजीब तरीके से बैठी हुई के पकड़े हुई है वायलिन को, और उसको ब्रोस्टिंग कर रही है, उसको रोंद रही है, मीन्स उसको अच्छे से बजा नहीं रही है। उसकी एल्बो है, उसकी कोनिया है, वो जस्टिंग आउट बाहर की तरफ निकली है, और उसकी आईज है वो ग्लेज्ड हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा। आप जब कुछ चीज़ देखते हो ध्यान से तो आंखें फाड़ के देखते हो, वैसे ही आंखें फाड़ फाड़ के कंसंट्रेशन के साथ वो बैठी हुई है। इन फ्रंट ऑफ हर विद उसके सामने बैठे हुए हैं, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जिसकी जो पीठ है वो लगभग विंडो की साइड पे है। वाज द बोनी फिगर, वो बहुत ज़्यादा बोनी मीन्स हड्डियों के ढांचे हैं, ऑफ द म्यूजिक मास्टर, जो कि एक म्यूजिक मास्टर हैं, मीन्स म्यूजिक मास्टर अपनी पीठ को विंडो की तरफ करके बैठे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा पतले हैं। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और जो लगभग बाल्ड हैं, गंजे हैं, गंजे हेड के हैं, और उसके जो थोड़े बचे हुए बाल हैं जो उसके कानों के आसपास हैं वो ब्लैक हैं, उन उनमें बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और एक पुराने फैशन की उसकी टफ्ट टफ्ट होती टोपी है। ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड, एक सोने की चेन चमक रही है अराउंड हिज लिदरी नेक, जो उसकी पतली नेक है उसके चारों तरफ एक गोल्ड चेन चमक रही है। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक जो डायमंड की अंगूठी है वो उसके हाथ में चमक रही है। एज इट, यह एक जैसे कि यह एक गिफ्ट, ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वायलिन, जैसे वो ग्लिड कर रहे हैं, बजा रहे हैं, बजाते हैं, जो हाथ घुमा रहे हैं ऊपर नीचे, जो स्टेम है तुम देखते हो, ये जो वायलिन है वो उसको बजाने के लिए एक पतली डंडी रूप डंडी होती है जिसे वायलिन बजाया जाता है, उसको जब वो हाथ से ऊपर नीचे करते हैं तो वो चमकती है। क्या चमकती है? जो डायमंड रिंग है वो। ए लार्ज फुट स्टेक आउट फ्रॉम बनीथ हिज गोल्ड बोल्डर्ड वेस्ट एज, अब जो उसकी धोती है उसका जो एज है, किनारे हैं वो गोल्डन कलर का है, और उसके जो बड़े बड़े फुट हैं उसके चारों तरफ फैली हुई है। स्टक मीन्स फैली होना, या उससे के ऊपर या आसपास रखी हुई। ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्कारवेनी बिग टोज, और वो बीटिंग कर रहे हैं टाइम को, मीन्स उसके जो कि फ्लोर पे स्क्रेनी जो बड़े बड़े टो हैं उसके साथ, मीन्स उसके जो पैर हैं वो पतले पतले अंगूठों के साथ फ्लोर पे रखे हुए हैं। फ्लोर के वो जो सर हैं, जो म्यूजिक मास्टर हैं, वो फ्लोर पे बैठे हुए हैं, उनके पतले पैर हैं और लंबे हैं। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, वो कुछ नोट्स बजाते हैं। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली है वो बैठी हुई है उसके जो वायलिन है उसके पीछे, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, वो बिल्कुल हेल्पलेस दिखती है, मीन्स वो अब कुछ भी कर नहीं सकती, हालांकि उसको बजाना नहीं आता लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसको बजाना पड़ेगा। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और बहुत ही ज़्यादा उदास है। वाट ए डिफरेंस, क्या अंतर है? द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजुअल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, जो म्यूजिक मास्टर है उसके नोट है वो दिख रहे हैं कि जो वो फ्लोट कर रहे हों, तैर रहे हों बहुत ज़्यादा परफेक्टली, और जो ट्रैक है उस पे अदर से जो ट्रैक है उस पे मेलोडी इसलिए मीन्स बहुत ही मधुरता से वो सेटल है और उस पे तैर रहे हैं, उस पे स्मूथली वो प्रभावित प्रवाहित हो रहे हैं, मीन्स बह रहे हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग, अब ये ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि इनको बहुत अच्छे से फिट कर रखा है, और जो रेल की जो पटरियां हैं उस पे विजिंग मीन्स साउंड करते हुए बहुत ही आसानी से बहुत ही मधुरता से बह रहे हूँ। एज रवि सैड, रवि कहता है, मृदु स्टेड एट दैट ह्यूज ब्रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलेंस स्टेम्प मेकिंग लवली म्यूजिक, मृदु की जो आंखें स्टर्ड मीन्स घूरती हैं, जो उसके बड़े बड़े ब्रिंड हैंड हैं, ब्रिंड मीन्स होते हैं म्यूजिक मास्टर के जो रिंग पहने हुए हाथ थे वो
एफर्टलेसली घूम रहे हैं, बगैर किसी प्रयास के ही वोलिन की जो स्टैम्प है उसको इधर उधर घुमा रहे हैं, और जो जिससे बहुत ही लवली म्यूजिक, बहुत ही मधुर म्यूजिक बज रहा था। स्विक स्क्वैक देर वाज लाली ड्रेलिंग अगेन, अम्मा केम ए वाइल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। यहाँ पे जो अम्मा, यहाँ पे जो अम्मा है आती है, देखिए जो बच्चे वो कहते हैं स्क्वैक, मीन्स जो कर्कश आवाज़ होती है, पक्षी जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं तो वो शायद अच्छी नहीं लगती, उसकी आवाज़ को स्क्वैक कहते हैं। तो लाले का जो म्यूजिक है उनसे मैच करता है। अम्मा को आते हुए देख के जो बच्चे हैं वो कहते हैं वेल मीन्स विलाप करते हुए या डरते हुए कहते हैं कि अम्मा गेट पे अम्मा है। रवि सेंड द दैट बैगर अवे, रवि ने उस बैगर को वापस दूर भगा दिया। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, जो उसकी अम्मा है उसको चिल्लाते हुए देख के बरामदा के पीछे से, वेयर सी वाज चैटिंग, जहाँ से वो बात कर रही थी विद तापी, तापी के साथ। ही हैज बीन कमिंग हेयर एवरी डे फ्रॉम द पास्ट वीक, वह पिछले हफ्ते से यहाँ हर रोज आता है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, पाती एक्सक्लेम टू तापी, पाती है वो तापी से कहते हैं कि है जब समय है कि वो दूसरा घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीनू फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर जाती हैं। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, जो बैगर है वो लगभग गार्डन के पीछे अपने आप को आरामदायक या अपने आप को आराम से वहाँ पे सेटल करता है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, उसने अपने ऊपर का जो कपड़ा है उसको बिछा दिया था अंडर द नीम ट्री, नीम ट्री के नीचे। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और लीनिंग मीन्स लेट गया था, जो ट्रंक है पेड़ की उसके अपोजिट साइड मीन्स उसके ऊपर कमर लगा के वो वहाँ पे लेट गया था। अपारेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, स्नूज होती है छोटी सी झपकी, वो क्योंकि अपने आप को तैयार कर रहा था वहाँ पे एक छोटी सी झपकी लेने के लिए। वाइल ही वेटेड फॉर द अलार्म्स टू अपीयर, जहाँ जब वो वहाँ पे वेट कर रहा था नींद आने का, गो अवे भाग जाओ, सेड रवि स्ट्रीनली, रवि कहता है। माय पाती सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, मेरी पाती कहती है कि तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, अब समय हो गया है, मीन्स तुम यहाँ काफ़ी दिन से आ रहे हो, अब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। द बैगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, अब जो बैगर है उसने अपनी आँखें बहुत ज़्यादा खोल ली और बच्चों की तरफ घूरता है एक के बाद एक करके। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, इस घर की जो लेडीज हैं वह कहता है आखिर में अपनी जो आवाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा दयनीयता दिखाते हुए, आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत ही दयालु आत्मा की हैं, दयालु मन की हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर ए होल वीक, मैंने अपनी आत्मा और अपनी जो शरीर है उसको उनके जो जनरोसिटी है, उनकी दयालुता है, उसके ऊपर ही जिंदा रखा है इस पूरे हफ्ते, मीन्स मैं जिंदा रहा हूँ उनकी जो दयालुता है उसके ऊपर। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता कि मैं मुझे भगा देंगी यहाँ से। ही रेज हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊँची की, अम्मा अम्मा ओ सेड हिज वेल माइट बी, वो कुछ वेल मीन्स रोते हुए कहता है अम्मा अम्मा ओ अम्मा, बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, परंतु यह पक्का फीबल नहीं थी, कमज़ोर नहीं थी। इट बिगेन टू डीप स्ट्रोंग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड कम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेंड ब्राउन विद बीटल च्यूविंग, अब जो वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, डीप है, गहरी है, और उसकी बेली से आती है, मीन्स वो उसकी आत्मा की आवाज़ थी, और वो उसके माउथ से आते हुए ऐसे लग रही थी कि वो
वो बहुत ज़्यादा ही, और जो उसके रुम्बल में गड़गड़ाहट की आवाज़ थी, उसके जो पेट की गड़गड़ाहट की आवाज़ थी, क्योंकि वो भूखा था, उसने कुछ नहीं खाया था, उससे उसकी आवाज़ उसके मुंह से और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी से आने लगी, विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, जो कि उसके मुंह में कुछ बचे हुए टीथ थे वो ब्राउन कलर के थे, और उसके जो बार बार मुँह से आ रही आवाज़ थी उसको उसकी पेट की आवाज़ के साथ बार जो बहुत ही स्ट्रोंग थी, स्ट्रोंग गड़गड़ाहट की आवाज़ थी उसके साथ सुना जाता जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। रवि, टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी कहते हैं कि रवि इसको कह दो कि यहाँ पे किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, उसे और उसे कह दो कि वो दोबारा वापस यहाँ नहीं आए। टेल हिम दैट सी साउंडेड फेड अप, वह कुछ चिढ़ते हुए यह कहती हैं। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, जो रवि है वो रिपीट नहीं करता है इस सब को बैगर के लिए। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि उसकी माँ ने जो कुछ कहा था वो सब कुछ उसके लिए इजी, उन सभी के लिए बहुत इजी था सुनने के लिए, मीन्स बैगर को भी वो सब कुछ सुन गया होगा। देर अंडर द नीम ट्री, नीम के जो ट्री के नीचे खड़े हुए बच्चे थे उनको सब कुछ सुनाई दे रहा था, इसका मतलब है बैगर ने भी सब कुछ सुन लिया होगा, इसलिए वो रिपीट नहीं करता है। द बैगर सेट अप एंड साइज्ड, बैगर खड़ा होता है और साई मीन्स ऐसे दुख से हम सांस लेते हैं वैसे सांस लेता है। आई एल गो ही सैड वियरली, वो बहुत ही थकी हुई आवाज में कहता है मैं जाता हूँ। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, केवल थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, है जो सन है सूरज है बहुत ज़्यादा गर्म है। द टार हैड मेल्टेड ऑन द रोड, और टार टार होता है चारकोल होता है, वो मेल्ट हो चुका है रोड पे। माई फिट आर ऑलरेडी, और जो मेरे पैर हैं वो पहले ही ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड मीन्स सूज गए हैं या छाले हो चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पिपलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट्स, और वो अपने पैर स्ट्रेच कर रहता है, फैलाता है वो दिखाने के लिए, जो उसके बड़े बड़े पिंक कलर के जो पिलपले छाले हुए हुए थे पैरों पे, उसकी पैरों की जो छाल थी उस पे खाल पे बने हुए थे जो छाले, उनको दिखाने के लिए वो अपने पैर स्ट्रेच करता है। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मैं सपोज करता हूँ, मैं ऐसा जो इमेजिन करता हूँ कि उसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। मृदु विस्पर्ड विस्पर्स टू मीना, मीना से विस्पर करते, विस्पर करना धीमी धीमी आवाज़ में बोलना, मीना से कहते हैं। रवि हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर ऑफ पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम कोई पुराने चप्पलों का जोड़ा ढूंढ सकते हो हाउस में कहीं पे? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, सेड रवि। रवि कहते हैं माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, मेरी चप्पलें इतनी छोटी हैं इसके पैर में फिट नहीं होंगे, और आई हैड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं इसको दे देता हूँ उनको, मैं अपनी चप्पलें इसको दे देता नहीं तो। एंड हिज फिट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज, और उसके पैर थे वो मीना और मृदु के पैरों से भी लंबे थे। द बैगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, जो बैगर है वो अपना जो कपड़ा उसने आराम करने के लिए बिछाया था, अपर क्लोथ ऊपर का जो कपड़ा था उसको शेक करता है, उसको हिलाता है, जैसे हम साफ करते हैं झड़काते हैं उस टाइप से, और अपनी धोती को टाइट करते हैं। ही रेज हिज आइज एंड लुकड फियरफुली एट द रोड, वो अपनी आंखें ऊपर करता है और जो रोड है उसको डरते डरते हुए देखता है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, उस चिलचिलाती हुई धूप में, दोपहर की धूप में, उस गर्मी में वो रोड की तरफ डरते हुए देखता है। ही नीड समथिंग ऑन हिज फिट, उसको कुछ अपने पैरों के लिए चाहिए। मीना सेड, मीना कहती हैं हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई थी, यह ठीक नहीं है। मीन्स मीना रोते हुए कहते हैं कि उसको अपने पैरों में पहनने के लिए कुछ तो चाहिए। रवि कहता है, जैसे हम इशारा करते हैं ना चुप रहो वैसे का, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके लिए सोचता हूँ। ब्लबरिंग इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, वो बार बार कहता है।
कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। रोते हुए कहता है, मुझे कुछ, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, करता हूँ। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फिट ऑन दैट रोड। और 2 मिनट के बाद वह अपने पैर है वो फ्राई करेगा, तलेगा इस जो गर्म रोड है इसके ऊपर। वाट सी नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, वह क्या चाहता है, एक चप्पलों का जोड़ा। सो वेयर डू वी गेट देम, हम उनको उसको कहाँ से प्राप्त करें। कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर में ढूंढें। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, वह खेच वो मृदु और मीना को पुल्ड करके खींच के ले जाता है घर के अंदर। जस्ट एज सी स्टेप्ड इन टू द बरंदा, जैसे ही वह कदम रखती है बरामदा में, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की आंखें जो अलग दिख रही चप्पल हैं उन पर पड़ती हैं। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, वह जब पहुंची तो उसने इसके इनको नोटिस किया था उन चप्पलों का। रवि कहता है, सी विस्पर टू हिम, वो उसको धीरे से कहते हैं, हुज आर दोज, ये किसकी हैं। वो रवि से कहती है कि ये चप्पलें किसकी हैं, वो धीरे धीरे से पूछती है। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस एट द सेबी लुकिंग, रवि मुड़ता है और ग्लांस मीन्स देखता है, नज़र दौड़ाता है जो सेबी मीन्स गंदी चप्पलें थी उनकी तरफ। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स ही बीम्ड एंड नोडिड, अब स्टर्डी मीन्स होता है स्ट्रोंग, वह स्ट्रोंग मीन्स अपना फ्रॉम पक्का जो उसमें एग्रीमेंट है वो दिखाता है और अपने जो सिर है उसको हिलाता है एग्रीमेंट में, कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ही सेड पिकिंग देम अप, वह दीज आर जस्ट राइट साइज, ये ठीक साइज के हैं। और जैसे ही वो उनको पिक करता है तब कहता है, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन। वो नर्वसली मीन्स बहुत ही असमंजसता से, असहजता से मीना और मृदु भी उसका पीछा कर बैकयार्ड में जाते हुए। हेयर सेड रवि टू द बेगर, यहाँ पे रवि कहता है बेगर से, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी की तरफ वो स्लीपर्स डालते हुए, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और कभी वापस मत आना। द बेगर स्टार्टेड एट स्टेड एट द स्लीपर्स, वो बेगर स्लीपर्स की तरफ घूरता है। रुडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर्स के ऊपर अपना जल्दी से जो टॉवल है वो फ्लंग करता है, फैलाता है। पुश्ड हिज फिट इन टू दैम, और अपने पैर है वो उनमें पुश करता है, उसमें धकेलता है। एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और धीरे धीरे से बड़बड़ाता हुआ बच्चों को ब्लेसिंग देते हुए वहाँ से चला जाता है। इन ए मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एक ही मिनट में वो वहाँ से गायब हो जाता है स्ट्रीट के कॉर्नर से, गली के कॉर्नर से। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक अप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। म्यूजिक मास्टर बाहर आते हैं और उनको बहुत ही डिसअप्रूविंग मूड से, बहुत ही जो उसकी तरफ कोई भी अप्रूवल नहीं था उनकी तरफ देखता है, जो कि नीम कट रही था उसके नीचे बहुत ही चुपचाप बैठे हुए थे, उनकी तरफ बहुत ही डिसअप्रूविंग मूड से देखता है। प्लेइंग मार्बल्स, जो कि मार्बल भी खेल रहे होते हैं। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द बरांडा वेयर ही हैड पुट देम, वो तब बरामदा में अपनी चप्पल को देखता है जहाँ पे उसने पहले रखी थी। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, एक कुछ मोमेंट्स के बाद वो लाली को बुलाता है। सी हर्ड अप टू हिम, बहुत जल्दी से भाग के उसकी तरफ आती हैं। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखा है। माई डियर, मेरे प्रिय, आई रिमेम्बर हैविंग कैप्ट देम हेयर, मैं मुझे याद है मैंने उनको यहाँ पे रखा था। रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरांडा, रवि मृदु और मीना उन चुपचाप उनको देख रहे थे जब मास्टर और जो लाली है वो बरामदा के हर एक कॉर्नर को सर्च कर रहे थे चप्पल ढूंढने के लिए। ही स्क्रिड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रोचिंग नियर द फ्लावर स्पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, वो हर जगह से उसको अपनी चप्पलों को देख रहा था
यहाँ तक कि जो रेलिंग है, जो फ्लावर स्पॉट है, उनकी तरफ भी वो बहुत ही ध्यान से देखने के लिए घूमता है। ब्रांड न्यू देवर वे बिल्कुल ही ब्रांड न्यू थी वो। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम। मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड पे गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। दे कॉस्ट ए होल मंथ फी, डू यू नो, वो मेरे पूरे महीने की जो फीस थी, सैलरी थी, उनसे खरीदी गई थी, तुम जानती हो। सुन, लाली वेंट इन टू टेल हर मदर। जल्दी ही लाली अंदर जाती है और अपनी मम्मी रुक्मणी को बताती है। रुक्मणी अपेयर्ड, जल्दी ही रुक्मणी आ जाती है, लुकिंग हार्स्ट विद पाती फॉलोइंग हर। वो बहुत ज़्यादा ही हार्स्ट दिख रही थी, बहुत गुस्से में दिख रही थी, और पाती भी उनको फॉलो कर रही थी। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। ये बहुत ही दुख की बात है कि किसी ने उनको चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वोरिड पाती। यहाँ पर कितने वेंडर्स आते हैं, भीख मांगने वाले आते हैं, पाती कहती हैं। रुक्मणी कोट साइट ऑफ रवि मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। जो रुक्मणी है वो बच्चों की तरफ देखती है, जो रवि मृदु और मीना जो कि ट्री के नीचे बैठे हैं। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन, वो कहते हैं, शुरू कहना शुरू करती है उनकी तरफ देखते हुए। क्या तुमने बच्चों देखे हैं उनको। सींग देवर, उनको देखते हुए कहती है। देवर क्यूरियसली क्वाइट, वो उत्सुकता से बहुत ज़्यादा शांत थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, वो और भी धीरे धीरे जाते हैं। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द बरांडा, वो देखते हैं किस हर एक चीज़ को, जो वेट करते हुए, बहुत ही शांति से वेट करते हुए बरांडा की तरफ। ए शार्प वी शेप्ड लाइंड हेड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और वी टाइप का जो निशान बनता है आईब्रोज में, वो बन जाता है जो रुक्मणी है उसके आईब्रोज के बीच में। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और एक दूसरा स्ट्रेट और टाइटर, बहुत ही टाइट जो लाइन है वो बन जाती है उसके फेस पे, जो हमेशा प्लेजेंट रहता है, खुश रहता है उसके मुख पे। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। थॉट मृदु विद ए सीवर, और यह सोच के मृदु बहुत ही घबरा जाती है। सी वुडेंट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑफ हिज फिट। सी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, वह अपने आप को बताने की कोशिश करती है। शायद उसको पता होता है जो बैगर है उसकी, जो बहुत ही भयानक जो छाले थे उसके बारे में उसको पता होता, तो वो शायद इतनी दुखी नहीं होती, इतनी गुस्से में नहीं होती। टेकिंग ए डीप ब्रीथ सी क्राइड, बहुत ही गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाती है। रुक्मणी देर वाज ए बैगर हेयर, पुअर थिंग, ही हैड सच बोल्स ऑन हिज फिट। अब रुक्मणी जब चिल्लाती है तो वो कहते हैं वहाँ पे एक जो बैगर था वो, उसके पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े छाले बने हुए थे। सो सैड रुक्मणी ग्रिमली, तो रुक्मणी कहते हैं बहुत ही चिंगाड़ते हुए, बहुत ही जोर जोर से बोलते हुए, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हेयर, तुमने उस म्यूजिक मास्टर की चप्पल है वो उस बैगर को दे दी जो यहाँ पे आया था। चिल्ड्रन दिस डेज, ग्रोंड पाती, आजकल के बच्चे, पाती चिल्लाते हुए कहते हैं। अम्मा डिडेंट यू टेल मी अबाउट करना, हु गेव अवे एवरी थिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयर रिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा तुमने तो मुझे बताया था कि जो करण महान थे, जिन्होंने सब कुछ अपना दे दिया था, दान कर दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के जो इयररिंग्स थे, जो कानों के आभूषण थे, वो भी दे दिए थे, वो इतने दयालु और जनरस थे। सिली स्नैप्ड रिंग रुक्मणी, मूर्ख, रुक्मणी ने उसको चाटा मारते हुए कहते हैं। करण डिडेंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, करण ने कभी अपनी दूसरों की चीज़ें नहीं दी, उसने अपनी ही चीज़ें दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, परंतु मेरी जो चप्पलें हैं वो उसके पैर में फिट नहीं होती। रवि रेस्ट ब्रेसली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंड,
और यह लगातार कहता जाता है कि हाँ अम्मा, अगर वो मेरी चप्पलें उसके पैर में फिट हो जाती क्या, तो तब माइंड नहीं करती क्या तुम, तब मुझे कुछ नहीं कहती। रवि सैड, रुक्मणी, रुक्मणी कहती, रवि वेरी एंग्री नाउ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी इसी क्षण अंदर जाओ। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। अब अंदर जाती है और वो गोपू मामा की जो बिल्कुल नई चप्पलें थी वो लेके आती हैं। दिस शुड फिट यू, ये आपको अवश्य ही फिट हो जाएंगी सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया करके ये पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे इतना खेद है, माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नोटी है। द म्यूजिक मास्टर आई लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक गई। ही पुट देम ऑन, वो उसको पुट करता है, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वेल आई सपोज दिस, वेल दिस विल हैव, मैं सपोज करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये शायद टू डू मेरे काम आएंगी। दिस डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वाट टू डू, आजकल के बच्चे बड़ों के लिए आदर नहीं रखते हैं, तुम क्या कहती हो। ए हनुमान इनकारनेट्स, ओनली राम कैन सेव सच ए नोटी फेलो, ये हनुमान के वंशज है, केवल भगवान ही को बचा सकता है इन शरारती बच्चों को। रुक्मणीज आईज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आईज हैं वो फ्लैश्ड, तब वो कहती हैं कि जो बच्चे हैं कि कैसे वो हनुमान का रूप है, या कुछ भी रिस्पेक्टेड या पूजा योग्य बंदर है वो भी अपने बच्चों को नहीं कहलाना चाहते, और अब वो चाहते हैं कि जो म्यूजिक मास्टर है वो जल्दी से वहाँ से चले जाएं। ए होली मंकी सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट, वो सीधी खड़ी हो जाती है सामने के दरवाजे से और चाहते हैं कि म्यूजिक मास्टर जल्दी से वहाँ चला जाएं। वैन ही हैड क्लेटर्ड ऑफ, जब वहाँ से वो जा चुके होते हैं नई चप्पलों के साथ, वो कहती है मृदु से, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, आओ और कुछ टिफिन या कुछ लंच ले लो। थैंक गॉड, अब होनेस्टली ईमानदारी से कहते, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम सब बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हो। थैंक गॉड यूअर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान का शुक्रिया है, भगवान की कृपा है कि गोपू मामा ने इनको काम के लिए नहीं पहना, ये काम के लिए पहन के नहीं जाते। एज सी वॉक टुवार्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीनू, जैसे ही वो मृदु और मीनू के साथ किचन की तरफ जाती है, सी सडनली बिगेन टू लाफ, वो अचानक से हंसने लगते हैं। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज, परंतु वो बहुत ही जल्दी में होते हैं, जब वो घर आते हैं तो अपने शूज और सॉक्स हैं उनको फेंकने के लिए। गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही केम कम्स होम, जैसे और चप्पल पहनने के लिए जैसे ही घर आते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से, तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब दिस इवनिंग, आज इस शाम को, आई टेल हिम आई गेव ही चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, जब मैं उसको कहूँगी कि उनको कहूँगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं। थैंक यू गाइज, लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।